अरे सर मेरे मशीन में सर्विस कॉल आ रहा है C3451, तो हम इसको कैसे सॉल्यूशन करना है, कैसे ये प्रॉब्लम जब आ जाए तो हमको क्या करना चाहिए, हम इस वीडियो में पूरा जान पाएंगे। तो वीडियो शुरुआत से अंत तक पूरा देखें तभी आपको इस आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम जो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो हम इसको पहले सबसे पहले फर्स्ट ट्राई करके देखेंगे बिना खोले हुए कि ये जो पावर बटन है, जो बटन है आपको पहले प्रिंटर को ऑफ कर देना है, उसके बाद ये जो कैंसिल का बटन है उसका दबा के रखना है आपको, जब तक नहीं सोना है तब तक पूरा स्टार्ट ना हो जाए। तो हम उसको ट्राई करते हैं, नहीं हो पा रहा है, अभी भी वही एरर आ रहा है। हम फिर से ट्राई करते हैं और इसको वापस करके देखते हैं। तो अभी भी नहीं हो पा रहा है, तो हमको पीछे वाला पैनल जो है वो लगा हुआ वो खोलना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ये जो यूनिट है उसको सब खोलेंगे। तो यहाँ से हम इसको स्क्रू ड्राइवर से खोल देते हैं। अब आसानी से स्क्रू ड्राइवर से, कोई भी स्क्रू ड्राइवर से उसको खोल पा सकते हैं। उसके बाद खोलने के वजह से आपको दिखेगा, तो यहाँ से आपको जो यहाँ के जो यूनिट जो जो केबल लगे ना, जो पिन, वो आपको हटानी होगी, जो एक आसानी से कनेक्टर से हट जाएगी। पहले आपको पावर ऑफ करना, नहीं तो आपको शॉर्ट लगने का पूरा चांसेस रहता है। तो पावर ऑफ करके ही ये पावर केबल निकाल के ही करने का, जो आप ये कनेक्टर खोल दोगे बाद में, जो यहाँ से आपको इस वाले यूनिट को यहाँ से स्क्रू ड्राइवर से आपको खोल लेना है। यहाँ पे जो स्क्रू है और नीचे स्क्रू है वो आपको खोलना होगा। आसानी से आपका ये वाला यूनिट भी यहाँ से आप खोल पा सकोगे। अगर ये इसको खोल लेते हैं, हम लोग बाहर निकाल लिया है अभी। इसके बाद हमको इसमें से ये वाले जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे पावर सप्लाई चेक करना होगा। यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं है, जाने से अपना ये काम वर्किंग नहीं करता है। तो ये इस यूनिट के ऊपर एक स्क्रू ड्राइवर से खोलना पड़ेगा, जो छोटी सी पट्टी लगी हुई थी वो आप खोल लेने का, तभी आपको उसके नीचे ये आपको देखने को। तो हमारे पास ये जो पहले जो वायर लगा था वो भी जल गया है, तो हम उसको दूसरा रिप्लेस करेंगे और दूसरा कनेक्ट करेंगे। आप ये देख सकते हो ऐसी वाली एक आपको डब्बी मिलती है, वो आपको हटानी होगी, तभी आप उसके नीचे ही ऐसा आप कनेक्शन देख पाओगे। तो हमारा मेरा हो गया है पूरी तरह से, मेरा कनेक्टर हो गया है पूरा। आपको पावर सप्लाई देखे, मैं वायर कनेक्ट कर लिया था, अभी मैं इसको यूनिट में डाल दिया हूँ और फिटिंग भी कर लिया था। तो आप इसको ऑन करके देखते हैं, मेरा प्रिंटर ऑन हो रहा है और देखते हैं एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वार्मिंग अप का दिखा रहा है, अभी रेडी अभी आया नहीं है। तो दोस्तों रेडी टू कॉपी आ गया है मेरा, और मेरा ये प्रिंटर बिल्कुल अच्छी तरह से वर्किंग कंडीशन में आ गया है। तो हम प्रिंट मार के भी देख लेते हैं हमारा पेपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो मेरा प्रिंट भी आ गया है दोस्तों, यानी आपका प्रिंटर एकदम परफेक्टली कंडीशन